में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं मिस्टर मनोज पांडे। नमस्कार। जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने राइटर हैं, संवाद भी लिखते हैं, स्क्रीन प्ले भी लिखते हैं और कहानियां भी लिखते हैं। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो ये हमसे बात करेंगे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कमी क्या है, कि आज हम काफी पिछड़े हुए हैं। हिंदी फिल्म तो दूर की बात है, हम बंगाली इंडस्ट्री को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, बंगाली फिल्म में जो फिल्में बन रही है उसे भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, जबकि हमारी भोजपुरी की जो ऑडियंस है उनसे काफी ज्यादा है, चाहे तमिल फिल्म हो या तेलुगु फिल्म हो या मलयालम फिल्म हो। हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, फिर भी हम काफी नीचे क्यों है, चाहे वो क्वालिटी में हो चाहे क्वांटिटी में हो। उसका रीजन आज हम पांडे जी से पूछेंगे और ये अपना जवाब देंगे। पांडे जी, जैसा कि मैंने अभी बोला कि हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो इतना नीचे क्यों है, हम लोग क्यों क्वालिटी की फिल्म नहीं बना पाते हैं? नहीं, आपने जो कहा है वो बहुत सही कहा है कि पॉपुलेशन हमारी भोजपुरी की सबसे ज्यादा है, मराठी की पॉपुलेशन बहुत कम है, बंगाली की बहुत कम है, केवल तमिल तेलुगु की बहुत कम है। इसके बावजूद आज हिंदी वाले उनकी रिमेक कर रहे हैं, उनकी उनसे थॉट्स ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि पॉपुलेशन और ऑडियंस, इन दोनों का फर्क कीजिए। हमारी फिल्म हमारे क्षेत्र के जो हमारे क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है और ऑडियंस नहीं, पहली चीज ये। दूसरी चीज उसकी वजह मैं बताता हूँ। सबसे पहले कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ने क्वालिटी को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, कभी भी महत्व नहीं दिया है कि वो क्वालिटी पे ध्यान दे। पर क्यों, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्वालिटी पे ये लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं? उसकी वजह ये है कि जो सो कॉल्ड तथाकथित समझदार लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, उन लोगों ने यह मान लिया है कि भोजपुरी की जो कल्चर है, भोजपुरी की जो ऑडियंस है, दर्शक है, वो लो ग्रेड है सबसे पहले। इसलिए अरे भोजपुरी की ऑडियंस लो ग्रेड कैसे हो सकती है? आज जो हमारे जितने आईएएस ऑफिसर ये सब है सब भोजपुरी वाले ही हैं सब। मैंने एक शब्द बोला सो कॉल्ड तथा कथित जो समझदार लोग हैं, तो सीधी सी बात है कि जब आप किसी ऑडियंस किसी वर्ग को आप गंदी चीजें और खराब चीजें ही परोसते जाओगे। 80 के दशक में जी रहे आज की तारीख, अरे जो आदमी 80 के दशक में फिल्में देख चुके हैं, जो कहानियां वही ठाकुर वही वो चीजें जो देख चुके हैं, क्या वो फिर से भोजपुरी में देखने के लिए? आपका एक क्लास तो नहीं आएगा। अब नीचे के आप रिक्शे वाले और वो आएंगे, आप फिर उनके लिए फिल्म बनाते हो, फिर बोलते हो वही चलती है, फिर आप गंदगी डालते हो, अश्लीलता डालते हो, ये नहीं है। सबसे पहले आपको क्वालिटी पे ध्यान देना। दूसरा मैं एक बात, अब हाँ ये बड़ा अच्छी बात है कि क्वालिटी पे ध्यान कैसे दें। आज की तारीख में लेखक को सबसे कम महत्व दिया जाता है, सबसे कम पैसा दिया जाता है, कोई इज्जत नहीं है। और एक बार उसने अगर स्क्रिप्ट लिख के दे दी तो 95% प्रोड्यूसर्स की बात बोल रहा हूँ कि जो बाकी पैसा होगा वो नहीं देंगे। नहीं, पर एक बात मैं आपको बीच में काटना चाहूंगा, ये हालत जो है सिर्फ आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री की नहीं है कि हमारे राइटर को कम पैसा दिया जाता है, ये सेम चीज हमारे हिंदी में भी है। यहाँ पे राइटर और एडिटर सबसे ज्यादा सताए जाते हैं, हमारे राइटर को नहीं पैसे दिए जाते हैं, इसीलिए इनको साउथ की रीमेक करनी पड़ रही है। आपको क्या लगता है कि क्या बॉलीवुड में अच्छे लेखक नहीं है, अच्छे थॉट्स नहीं है, विचार नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, पहले साउथ वाले हमारी रीमेक करते थे, लेकिन आज वहाँ वो लोग इज्जत दे रहे, वो लोग पैसे दे रहे। अब हालत ये हो गई कि ये इम्पोर्ट कर रहे हैं बॉलीवुड वाले भी, और भोजपुरी वाले बॉलीवुड से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, एक थोड़ी सी मतलब कंट्रोवर्शियल बात होगी कि एक वर्ण व्यवस्था थी, मालूम होगा आपको। हाँ, हमारे है भी, अभी तो बहुत कम हो गई, बट वर्ण फिर भी है। तो वर्ण व्यवस्था में क्या था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक। तो हमारे फिल्म लाइन का जो कॉन्सेप्ट थॉट है ना, वो भी वर्ण व्यवस्था पे ही आधारित था। जो लेखक होता है वो होता है ब्राह्मण, क्योंकि वो लिखने का काम करता है, विचार वो देता है। सेकंड नंबर आता है क्षत्रिय, उसके निर्देश पर उसकी लिखी चीज को जो अमल में लाए वो क्षत्रिय होता है, और वो होता है निर्देशक या डायरेक्टर। तीसरा नंबर होता है वैश्य, जो बिजनेस करता है वो होता है प्रोड्यूसर निर्माता, जो पैसे लगाता है और बिजनेस करता है। चौथा होता है शूद्र, जो इन सब के हिसाब से काम करता है, जो होता है एक्टर।
आज उल्टा हो गया है, आज शूद्र सर पर बैठ गया है और ब्राह्मण नीचे दबा दिया गया। जब ये हालत होगी भाई साहब, तो चाहे बॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे दुनिया का कोई भी उठो, आप देखिए हॉलीवुड से जो कॉपी करते हैं, हॉलीवुड से एज राइट्स मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? क्योंकि हॉलीवुड में सबसे ज्यादा पैसा राइटर्स को मिलता है। अरे जब आप पैसा दोगे, इज्जत दोगे, तो वो सोचेगा, वो टाइम देगा, और अगर उसको नहीं दोगे तो वही होगा जो हो रहा है, शूद्र को सिर पे बिठाओगे, ब्राह्मण को दबाओगे। हालांकि एक कंट्रोवर्शियल बात है, विवादित ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने जो बोला, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आपने जो क्षत्रिय वाली बात कही, मतलब डायरेक्टर मतलब क्षत्रिय, कि देखिए उस टाइम जो क्षत्रिय थे वो अगर तलवार चलाते थे या भाला चलाते थे या तीर धनुष चलाते थे तो बकायदा वो एजुकेशन लेके आते थे, बकायदा उसका प्रैक्टिस करते थे। मैंने जहां तक सुना है कि भोजपुरी फिल्म के जो छत्री हैं, मतलब सो कॉल्ड डायरेक्टर्स, वो ऐसा है कि आज तक जिन्होंने कभी कैमरा नहीं देखा वो सीधा डायरेक्टर बन जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जिसको तलवार भाजने ही नहीं आता है वो फिर छत्री कैसे हो सकता है? इसलिए पर ऐसा क्यों होता है भोजपुरी में, जिसने कभी कैमरा नहीं देखा वो सीधा डायरेक्टर बन जाता है, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि छत्री जो असली है, जो काम करने वाला है, वो उसे बहुत मिल जाएंगे। उसे एक वैश्य ढूंढना है, उसे एक प्रोड्यूसर ढूंढना है, उसे एक फाइनेंसर ढूंढना है, बस उसने ढूंढ लिया, वो बन गया डायरेक्टर। ये भोजपुरी टीम के फिल्म का जो रेशियो है, देखिए मैंने ये सुना है कि कोई 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए ले बिहारी यूपी से आ जाता है और वो प्रोड्यूसर बन जाता है। तो आज की डेट में ये मतलब क्या फंडा है कि 20-25 लाख रुपए में कोई भी प्रोड्यूसर बन जाता है? कि कहां तक हमारी भोजपुरी फिल्म इसमें सर्वाइव कर पाएगी? और वो काम करते भी है। दूसरी बात उस पर भी आने वाला था, सिर्फ एक लेखक की बात है। दूसरी बात ये है कि आज आप जैसे ही किसी एक्टर की, जैसे ही किसी हीरो की, मैं हीरो की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी को पैसे नहीं मिलते हैं, मैं हीरो की बात कर रहा हूँ, जैसे एक फिल्म हिट हुई तो सीधा 10 लाख मांगने लगते हैं, दो हिट हुई 20, और उसके बाद तो 40 से नीचे बात नहीं करते। एक्टिंग जीरो, एक्टिंग का ये नहीं आता हो, लेकिन उसमें 40 लाख रुपए चाहिए। जब 40 लाख रुपए एक प्रोड्यूसर एक एक्टर को दे दे, एक तराजू में रख देगा, तो दूसरे तराजू में वो 40 लाख रखता है और उसमें पूरी कास्ट प्लस मेकिंग, राइटर डायरेक्टर सबको डालता है। उसके बाद प्रोड्यूसर को कमाई क्या होती है? ले देंगे जीरो, ले देंगे जीरो या फिर कभी कभी या फिर माइनस। तो सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री का दूसरा भला, अगर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, अभी ना लेखक की बात करूंगा ना किसी की, क्योंकि मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, अगर एक प्रोड्यूसर एक बार डूबेगा दूसरी बार वो फिल्म नहीं बनाएगा। अगर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री को जिंदा रखना है तो आपको प्रोड्यूसर को जिंदा रखना पड़ेगा। तो ये एक्टर लोग जिंदा नहीं रख रहे हैं, मैंने तो ये सुना है कि अब जैसे आपने बोला कि आधा पैसा ये लोग ले लेते हैं, जब आधा पैसा एक बार हिंदी फिल्म में भी है, जैसे आप बड़े स्टार कास्ट में जाते हैं तो जितना पैसा एक एक्टर लेता है उसी का इक्वली बाकी खर्च होता है, उसमें रिकवरी है। अब ये देखिए उसमें रिकवरी है, क्वालिटी भी तो रहती है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अब उन्होंने 100 करोड़ की पिक्चर बनाई, वो मल्टीप्लेक्स से कवर कर लेते हैं, कवर हो जाएगा, लेकिन आप बताइए ना भोजपुरी फिल्म मल्टीप्लेक्स पर नहीं चलेगी, क्योंकि मल्टीप्लेक्स में पैसा देने की अभी भोजपुरी ये जो गांव-गांव और वो जगह, एक तो मल्टीप्लेक्स नहीं है हर गांव में जहाँ भोजपुरी फिल्में चलती हैं, और वहाँ वो रेट में आपको ऑडियंस नहीं मिलेगी, वो रेट नहीं देगी, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बोलता हूँ, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का भला करना तो सबसे पहले एक एसोसिएशन बननी चाहिए भोजपुरी की, और उस एसोसिएशन का डिसाइड कर देना चाहिए कि हर जो बड़े से बड़ा एक्टर होगा उसकी फीस होगी 10 लाख रुपए मैक्सिमम। 10 लाख से आप 10 लाख 1,000 रुपए नहीं देंगे और उसे लेने का हक नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन 50 लाख में एक अच्छी फिल्म बनेगी और तब अच्छे लोग रिस्क ले सकेंगे, आज के हिसाब से जो बोल रहे अच्छी चीजें परोसेंगे, राइटर्स को भी और डायरेक्टर्स को भी अच्छा पैसा मिलेगा, मेकिंग में अच्छा पैसा खर्च होगा और उसके बाद प्रोड्यूसर सेफ होगा, तब क्या होगा अच्छे थॉट्स अच्छी चीजें लोग लाएंगे और डालेंगे, क्योंकि रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा। अभी 40 लाख आप किसी एक को ही दे दोगे, 30 लाख 20 लाख एक को दे दोगे तो आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है और आप कहाँ करते हो, फिर कटिंग करने शुरू कर देते हो, चिकन से ज्यादा मसाले को दे देते हो और चिकन में खर्चा कम करते हो। फिर पंडित जी आप जो कह रहे हैं सॉल्यूशन जो है वो
बहुत सही सॉल्यूशन है, पर आज की डेट में आप इसे लागू नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, आज ऊपर के जो दो स्टार हैं वो प्रोड्यूसर बन गए, उनको ये पता है कि उनकी फिल्म पैसा कवर करती है, तो ये 10 लाख लेने की बजाय आज वो जैसे ऊपर वाले जो स्टार है, मैंने सुना है 40 लाख 50 लाख रुपए ले लेते हैं। ऊपर के जो दो स्टार हैं खुद प्रोड्यूसर भी, तो वहां जो मैनिपुलेशन है वो खुद प्रोड्यूसर बन जाएगा। उसको मालूम है कि एक फिल्म करूंगा तो आपके 10 लाख मिलने हैं, अगर उसने 3 फिल्म प्रोड्यूस कर दी तो उसको तो सीधा सीधा 1 करोड़ 20 लाख रुपए ऐसे ही मिलने वाले हैं जो उसकी रिकवरी है। उसको लेकिन उसे खर्च करना पड़ेगा सर, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। अलग अलग एक्टर, जब आप 10 लाख नहीं लोगे और फिल्म नहीं करोगे तो नए एक्टर्स आएंगे, एक्टर्स नॉट स्टार, एक्टर्स आएंगे, और प्रोड्यूसर जब रिस्क ले सकता है ना, अगर आप नहीं करोगे तो वो कम बजट में अच्छी फिल्म बनाएगा, अच्छी फिल्म जब आनी शुरू होगी कंपटीशन बढ़ जाएगा, और कंपटीशन जब बढ़ेगा तो जो आप बोल रहे हैं ना मोनोपोली वो टूट जाएगी, तब यही होगा कि फिर अपने प्रोडक्शन में बनाओ, बनाते रहो फिल्म, कोई नहीं रोकने वाला है। आज प्रोडक्शन तो हिंदी वालों का भी है, सबके पास है। पांडे जी, आज हम कलयुग में जी रहे हैं और हमारी जो 5 कमियां हैं, लोभ मोह, जो 5 चीजें जो होती हैं, ये जो लोभ जो है या स्वार्थ जो है, एक प्रोड्यूसर अगर एसोसिएशन उस पे हावी रहता है, बोलेगा ठीक है भाई हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख रुपया दिया दिखाने के लिए 10 लाख दिया, अंदर रेटे पर ब्लैक मनी तो दे ही सकता हूँ। अंदर से अगर वो देगा तो फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने में किसे रोक सकते, आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी, बट परसेंटेज आप देखिए सब लोग नहीं देंगे, फिर ये परसेंटेज कम हो जाएगा। आज जो खुले हम अब 40 या 30 दे रहे, बहुत ज्यादा देंगे तो 10 का 15 देंगे, 5 ब्लैक देंगे, और हर आदमी नहीं देगा। जब हर आदमी नहीं देगा ये परसेंटेज कम हो जाएगा, तो अच्छे एक्टर्स की एंट्री होगी। आज डिस्ट्रीब्यूटर्स ने और उन्होंने जो एक मोनोपोली बना के रखी वो टूट जाएगी। अभी देखिए, जहां तक मैंने सुना है कि भोजपुरी फिल्में हर साल काफी मात्रा में बनाई जाती है, काफी संख्या में बनाई जाती है, इनफैक्ट और रिलीज होने की जो संख्या है वो काफी कम है। ये रिलीजिंग वाला जो फंडा है, ये फिल्में रिलीज क्यों नहीं हो पाती है? रिलीज नहीं हो पाती है उसकी वजह ये वही है कि आप बड़े स्टार को लेके बनाए हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाते हैं, नए को लेके आते तो डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं उसकी वजह है, क्योंकि आज भोजपुरी की जो सबसे बड़ी सर्किट है जो बिहार, वो बिहार में एक तरह से हालत ये हो गई है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब बिहार गई फिल्म तो आपको एक रुपये मिलना नहीं है, जो मिल गया ये हालत हो गई है। ईमानदारी ईमानदारी नहीं है, सबसे पहले अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स को आना होगा, ऐसा नहीं है कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं, उस मजबूरी में भी है, क्या करें, क्योंकि इसीलिए वो बड़े नहीं, उनको जब यही बात कि जब अच्छी फिल्में कम बजट में बननी शुरू हो जाएगी तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर जो सही हैं, ईमानदार हैं और जो चाहते हैं कि अच्छी चीजें हम अपनी जनता को दे सकें, वो फिर बाहर आएंगे, वो बाहर आएंगे एक दिन का, जो मैंने सलूशन बताया एक दिन का नहीं है, टाइम लगेगा 2 साल 4 साल 5 साल, लेकिन 5 साल बाद ये पूरी तस्वीर बदल जाएगी, और अच्छे लोग फिल्म निर्माण में भी आएंगे, अच्छे लोग फिर डिस्ट्रीब्यूशन में भी मिलेंगे, चीजें अच्छी बननी शुरू हो जाएंगी, फिर राइटर्स दिमाग अच्छा लगाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें देंगे, और शायद वो दिन दूर नहीं, मैं तो दुआ करूंगा कि लोग भोजपुरी से रिमेक्स के राइट्स मांगेंगे, हिंदी वाले भी मांगेंगे, मैं दावा करता हूँ, ये इतना बड़ा रीजन है, इतना बड़ा जो ओरिजिनल फिल्मों का सबसे बड़ा सर्किट है हमारी भोजपुरी जो भाषा है, बहुत बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। मेरे ख्याल से कि अगर ठीक है तो 4-5 साल 6 साल जाएंगे, लेकिन उसके बाद हालत ये हो जाएगी कि लोग वहां से पकड़ेंगे। आज आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मराठी क्या है, इतनी बड़ी सर्किट है, इतने लोग देखने वाले हैं, लेकिन ऑस्कर तक जाती है, और हमारी फिल्म मल्टीप्लेक्स तक नहीं जाती है, ऑस्कर तो बहुत दूर की बात है, मल्टीप्लेक्स तक नहीं जाती, क्या रीजन है? आज फैमिली भाग गई है भोजपुरी फिल्मों से, फैमिली नहीं जाती है देखने, आप अच्छी चीज दो, नदिया के पार एक टाइम में आई थी फैमिली जाती थी, काफी 20 साल पहले की बात है, इवन 20 साल पहले भी जो फिल्में आ रही थी अच्छी फिल्में भी देखा करता था, मैं भी नहीं देखता हूँ, पर किस किस को सुधारोगे आप, एक्टर को सुधारोगे, डिस्ट्रीब्यूटर को सुधारोगे? मैंने एक सुझाव दिया है सर, सुधारने की बात नहीं की, एक सुझाव दिया है, अच्छा सुझाव है, अगर इस पे अमल करें तो मेरे ख्याल से भोजपुरी इंडस्ट्री का भला हो सकता है, अदरवाइज जैसे बीच में खत्म हो गई थी फिर खत्म हो जाएगी कुछ दिन में।
क्योंकि मुझे मतलब दो तीन नामों को अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोड्यूसर रिपीट किया हो। एक बार आया, ग्लैमर की दुनिया है, खींच के चलाया, पैसे लगाया, डूब गया, चला गया। दूसरा फिर कोई दूसरा ही आया, वो नहीं आया। कुछ हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन और सब में अच्छा नेटवर्क है, वही चल रहे, अदरवाइज कोई नहीं चल रहा। इसके लिए मैंने वही बोला कि जब तक आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तब तक भोजपुरी इंडस्ट्री का भला नहीं हो सकता। मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री के भले की बात की है, पर्सनल किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर की बात नहीं की, भोजपुरी इंडस्ट्री के भले की बात की। और भोजपुरी इंडस्ट्री का भला हुआ तो फिर सबका भला होगा ना। पंडित ये बताइए कि एज अ राइटर, ये मैं पर्सनली आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, एज अ राइटर आप कितना एक्सपेक्ट करते हो भोजपुरी वाले से लेने की फिल्म के बजट का? तो फिल्म के बजट के हिसाब से, नहीं नहीं वो तो एसोसिएशन के हिसाब से भी है, दैट इज नॉट मैटर। तो कोई लेता ही नहीं है एसोसिएशन, वो तो अलग बात होगी। एसोसिएशन ने तो बहुत अच्छी प्राइस रखी हुई राइटर्स की, पर एक्चुअली में यहाँ के लोग बोले मतलब आप बोलते राइटर को सताया जाता है, सबसे खास बात जो लास्ट में पैसा अटका दिया जाता है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरे उसको चार फिल्मों के पैसे अटके हुए। नहीं पर पांडे जी सबसे बड़ी बात ये है, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं कि आपको लटका दिया जाता है। मेरे बात का ये जवाब दीजिए, आपकी एसोसिएशन ने एक फिल्म के लिए कहते हैं कि भाई आप राइटिंग के आप 4 लाख 4 लाख 4 लाख 12 लाख रुपए लो, अगर वो फिल्म कम बजट की है तो उसने एक एक्स अमाउंट फिक्स किया हुआ है कि कम से कम भोजपुरी फिल्म भाई कितनी से छोटी हो आपको कम से कम 3-4 लाख रुपए लेने हैं। आप ही के एसोसिएशन गए बोले वहां पे 2-4 राइटर्स हैं जिद पड़ जाए, पर आप ही का राइटर एसोसिएशन के आप ही के जो राइटर हैं वही फिल्म 50,000 में कर लेते हैं, इसका क्या थोड़ा है? इसका एक्चुअली इसका जो बेस है क्या है, एसोसिएशन भी वहां कुछ नहीं कर सकती। अब वो क्या बोलूं मैं, अब तो आपको बोलना पड़ेगा। अभी राइटर्स के बारे में बोलना नहीं चाह रहा हूँ, यहाँ 90% राइटर्स जो है वो आए थे हीरो बनने, बहुत तीखी बात बोल रहा हूँ मैं, हीरो बनने आए थे, किसी लायक नहीं रहे, कुछ नहीं कर पाए तो राइटर बन गए। भाई साहब राइटिंग की ये फील्ड नहीं है, लेखक जन्म जात होता है। तो ऐसे तो घर चलाने के लिए जब आदमी राइटर बनेगा ना तो फिर तो घर चलाएगा। तो देखिए जो कहानी की जो बुनियाद है राइटिंग, कहानी की बुनियाद जो राइटिंग है वहाँ पे आपका जो राइटर एसोसिएशन है, ऐसे राइटरों को अगर भोजपुरी का हम उत्थान चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री पतन में नहीं जाए या हमारी फिल्म इंडस्ट्री पतन में नहीं जाए, हमसे भोजपुरी की नहीं बात करेंगे, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे, पतन में नहीं जाए, तो ऐसे राइटर्स को जैसे हमारे डायरेक्शन डिपार्टमेंट का हमारा एक इंटरव्यू होता है कि आप असिस्टेंट बनने के लायक हो कि नहीं हो, उसी तरह राइटर जो फेक राइटर्स हैं जिनको राइटिंग नहीं आती है या जिनको कहानी की समझ नहीं है, जिनको संवाद लिखना नहीं आता है, वो किसी और से लिखवा लेते हैं, या जिनको स्क्रीन पे का समझ नहीं है, ऐसे राइटरों पे आपका राइटर एसोसिएशन अंकुश क्यों नहीं लगाता है? नहीं नहीं बात सही है, एसोसिएशन भी क्या है, अभी आपने एक बात बोली थी कि 10 लाख का बैन करेंगे अंडर टेबल को ही दे देगा, वहां एसोसिएशन कुछ नहीं कर सकता। ठीक, मैंने क्या बोला था कि हाँ कुछ नहीं कर सकता, बट एक समय के हिसाब से चेंज आएगा। यही चीज नहीं नहीं राइटर के साथ मैंने क्या बोला, जिस दिन आप राइटिंग घर चलाने के लिए करना शुरू कर दिए, जब आप उस फील्ड में इस फील्ड में सक्सेस नहीं हुए तो राइटर बन घर चलाने का काम शुरू कर दिया तो आप नीचे गिरोगे। लेकिन मैंने क्या बोला कि जो अच्छे राइटर्स हैं वो एक उनकी फीस आप दो नहीं दो, लेकिन दो लोग उनके पास आएंगे जिस दिन और जिन्हें अच्छी चीजें बनानी होगी वो उनकी फीस देंगे। मैंने क्या बोला था कि ये चेंज धीरे धीरे आएगा, जब किसी प्रोड्यूसर का बजट कम होगा फिल्म का, अगर वो एक्टर को 40 नहीं देगा, 10 देगा, 5 देगा, 8 देगा, तो उस फिल्म का बजट घटेगा, जब घटेगा तो वो कहीं और खर्चा करेगा, तब वो ये नहीं देखेगा कि 50,000 रुपए में उस राइटर के साथ मेरा बच रहा है, तब वो देखेगा कि 50,000 देके मुझे अच्छी चीज मिल रही है, तो जो वहां कर्टेल होगी चीज वो यहाँ बढ़ेगी, तो ये जो तथाकथित नकली राइटर्स हैं ये सब बाहर हो जाएंगे। लेकिन इसके मेन चीज वो है कि आप हमारे प्रोड्यूसर के बजट को कंट्रोल करें, और उसका रास्ता मैंने बताया कि जहां एक जगह ज्यादा जा रहा है वहां कंट्रोल कीजिए, अपने आप धीरे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पैसा। कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि उसकी चीज खराब बने। ये दो तीन जो एसोसिएशन है आपके फिल्म इंडस्ट्री की, जैसे फाइटर एसोसिएशन, कैमरा मैन का एसोसिएशन, एडिटर का एसोसिएशन, ये 3-4 जो एसोसिएशन है
वहां पे जब तक आपके पास टैलेंट नहीं है तब तक कार्ड नहीं बनता है। हालांकि सब कैमरामैन बहुत नेसेसरी है हमारी फिल्म को अच्छा बनाने के लिए, एडिटर बहुत जरूरी है, म्यूजिक म्यूजिक भी जब तक आपको आता नहीं वो लोग कार्ड नहीं बनाते हैं, जब तक म्यूजिक डायरेक्शन नहीं आता या जो वायलिन वगैरह जो बजाते हैं जब तक काम नहीं आता है इनको कार्ड नहीं दिए जाते। फिल्म हमारी जो कहानी हमारी जो फिल्म है उसकी जो बेस है कहानी, तो ऐसे चीजों को हमारे हिसाब से अंकुश लगाना चाहिए। और इनफैक्ट जहां तक पैसे की सवाल है जो अंडर टेबल वाली बात है, आज फाइटर जब कहीं शूट करने जाता है तो उसका जो एक्स अमाउंट है वो एसोसिएशन को चला जाता है, मतलब कम ले ही नहीं सकते, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो उनका एक फिक्स अमाउंट है। तो इस तरह की चीजें, जैसे सपोज आपने 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको एसोसिएशन ने बोला कि आपको 4 लाख रुपए लेने हैं, आप 1 लाख रुपए में जाके फिल्म कर लेते हो, तो जैसे आप बोलोगे भैया हमको 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ तुम, और उसमें से तुमको एक्स परसेंट तुमको एसोसिएशन में देते दिया एसोसिएशन में जाएगा जो तुम्हारे प्रोविडेंट फंड की तरह जमा हो जाएगा, तुमको मिल जाएगा बाद में। तो वहाँ पे प्रोड्यूसर पे लगाम लगाया जा सकता है ना कि उसको पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, ये एक्चुअली क्या है ना, दूसरी मैं आपने दो चीजें बोली, सबसे पहले कि जो फेक राइटर्स हैं उनको इंटरव्यू और ये चीज, एसोसिएशन में भी ये रूल है, हमारे एसोसिएशन में भी ये रूल है, वहाँ भी आपकी कुछ चीजें छपी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ एक लूप होल थोड़ा सा है कि आपको किसी उसका आप लेटर लेके आते हैं कि आपको किसी प्रोड्यूसर ने साइन कर दिया तो भी आप मेंबर बन जाते हैं, यहीं पे गड़बड़ी होती है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मेंबर बनाने के लिए मेंबर बनाना मजबूरी है आपके एसोसिएशन की? एसोसिएशन की मजबूरी नहीं है, सामने वाला गलत कर दे, सामने वाला किसी से लेटर लिखवा ले आई एम साइन, मैं वहां साइन हो चुका हूं, तो अगर कोई आदमी वहां साइन हो चुका है, मैंने अभी क्या बोला था कि लेखक जन्मजात होता है, हां गॉड गिफ्टेड चीज है, तो गॉड गिफ्टेड है, तो ये जो है एसोसिएशन भी, एसोसिएशन ना दुनिया जानती है और दुनिया मानती है, एसोसिएशन भी मानता है, तो कोई ऐसा आदमी भी जिसका पेपर या मैगजीन में नहीं छपा हो और उसके पास अच्छे थॉट्स हैं तो वो एज राइटर एक लेखक के रूप में आ सकता है और वो एसोसिएशन का मेंबर बन सकता है, लेकिन कब, जब उसे किसी ने साइन किया, मतलब उसने उसके टैलेंट को पहचान लिया है, तो ये एसोसिएशन मान लेता है कि हाँ भाई अगर उसमें टैलेंट है तभी उसने साइन किया है इसलिए हम मेंबर बना रहे, हमारे एसोसिएशन का कोई टारगेट होल्डर नहीं, एसोसिएशन अपनी जगह सही है, लेकिन क्या होता है जैसे हर कानून का एक लूपहोल निकाल लिया जाता है तो कहीं वो लूपहोल निकाल के लोग मेंबर बन जाते हैं। दूसरी बात जो आपने बोली कि एसोसिएशन क्या है, लेखक मजदूर नहीं होते, ठीक है, इसलिए आप चाहे डांसर या फाइटर या जितने आप एसोसिएशन की बात कर रहे हो तो उनका पैसा, क्योंकि वो मजदूर की श्रेणी में आते हैं, वो शारीरिक काम करते हैं इसलिए उनका पैसा एसोसिएशन को जाता है, आप वहां चीटिंग नहीं कर सकते, पर राइटर शारीरिक मेहनत नहीं करता है, वो मजदूर की श्रेणी में नहीं आता, वो इंटेलेक्चुअलिटी से रिलेटेड चीज है, वो तो अपने ब्राह्मण के ही दिया, हाँ, इसलिए हमारे एसोसिएशन को डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनके पैसे जमा कर लिए और बाद में उसको प्रोविडेंट फंड की तरह वापस कर दिया जाए। हाँ नहीं, अभी वो तो चलिए एसोसिएशन में चीजें क्या होंगी, क्योंकि जैसे एक मतलब एक हटके एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत पहले की बात है कि मैं लंगड़ा हूँ वो दिखेगा, ये शारीरिक है, ठीक है, मैं अंधा हूँ ये भी दिखेगा, ये शारीरिक है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है या नहीं है, मैंने बोला तो है, आपको मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये शरीर के किसी अंग से रिलेटेड, बाहरी रिलेटेड नहीं है, तो ब्रेन से रिलेटेड, ऐसे राइटर ब्रेन से रिलेटेड चीज है, तो क्या होता है कि वहां पे आप बस उसने बोल दिया है तो है, लेखक है तो है, अब उसमें टैलेंट कितना है, क्या परसेंट है, वो चीज तो दुनिया के सामने जब चीज आएगी तभी पता चल सकता है, आप समझ गए ये दोनों का फर्क। हम लोग थोड़े से विशेष रूप से भटक भी गए, मेरा मणिपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, मतलब मुद्दे का बात ये है कि अगर हमको अच्छी क्वालिटी की फिल्म बनानी है तो सब प्रथम जो अंकुश लगना चाहिए वो हमारे कलाकारों पे लगना चाहिए, बड़े कलाकारों पे लगना चाहिए, एक वही रास्ता है। पर दूसरा एक और है, जैसा आपने बोला हालांकि पंचवर्षीय योजना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट है आपके बिहार का, बिहार हमेशा बदलाव रहा है, सुधरने की कोशिश नहीं करते हैं कभी, तो वो बहुत जरूरी है हमारे फिल्म के लिए कि नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आए, क्योंकि वहां पे एक तरह की मोनोपोली बनी हुई है जैसा कि मैंने सुना है, और जो नए प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको चूस लिया जाता है, वो लोग तो कमाते हैं पर प्रोड्यूसर हमेशा दूसरा प्रोड्यूसर, ऐसा मैंने सुना है, तो उस चीज पे लगाम लगाने की बहुत जरूरी है, और ये तभी लगाम लगाई जा सकती है जब गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल से कुछ होने चाहिए। गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो कुछ नहीं कर सकती,
क्योंकि ये सरकारी क्षेत्र है नहीं। बट मैंने वही बोला कि जब आप अच्छी क्वालिटी की चीजें देंगे तो जब आप बड़े स्टार और बड़ी उनको लेके नहीं आप जाएंगे तो होगा क्या कि आपकी फिल्म का बजट कंट्रोल रहेगा और तब आपके ऊपर बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या तो उनके सामने दो चीजें या तो नहीं और नहीं है, अगर लेते हैं तो भी प्रोड्यूसर का फायदा है क्योंकि फिर वो अपने हिसाब से रिलीज करेंगे, अगर वो नहीं लेते हैं तो नए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आएंगे, वो इनकी चीजों को लेंगे क्योंकि तब वो देखेंगे कि वो तो ले नहीं गए, चलो हम लेते हैं, हम उतना नहीं दे पाएंगे या हम ईमानदारी से रिलीज करेंगे और वो करेंगे। सामने वाले ने चूंकि पैसा कम खर्च किया है वो सोचेगा चलो वो नहीं लिया तो ये ले रहा है, लेकिन हमारी चीज ईमानदारी से जाएगी और मैं गारंटी देता हूँ कि जब चीजें ईमानदारी से अच्छी बनाई जाएंगी, दर्शकों को अच्छी परोसी जाएंगी, पैसा कमा दो देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम थोड़ा पेशेंस थोड़ा धीरज इसमें लगेगा और ये बड़ा कठिन वो है कि आप किसी को बोलते ना कि नकेल लगाना हिंदुस्तान से अंग्रेज भगाए जा सकते हैं तो गंदे लोग भी भगाए जा सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, लेकिन उनको भी 90 साल अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजी हुकूमत उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, कर रहे हैं, राज चल रहा है लेकिन हट जाएगा, ये भी हटेगा, किसी न किसी को तो भगत सिंह बन के बाहर और सुभाष बन के आना ही पड़ेगा। बिल्कुल पांडे जी, आपका सजेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं दुआ करता हूँ कि हमारी और आपकी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है ऊपर की तरफ जाए, इसका उत्थान हो। आपका इस शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्रिएटिव टॉक शो पे। तो दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दें। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और कुछ नहीं, आपको भी धन्यवाद कि कम से कम आपने एक लेखक को तो बुलाया। ऐसे मैं हिंदी भी कर रहा हूँ लेकिन मेरे चूंकि बोलते ना कि मेरी मातृभाषा है भोजपुरी, तो मैं चाहता हूँ भोजपुरी का उत्थान हो और मैं कल गर्व से कह सकूं कि मैंने शुरुआत भोजपुरी से की थी, जो कि आज कहने में थोड़ा सा डर लगता है, बड़े बैनर्स में हिंदी में जाओ तो भोजपुरी बताने में डर, मतलब भोजपुरी को काफी है दृष्टि से देखा जाता है और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं शान से कह सकूं कि मैंने भोजपुरी से शुरुआत की है और कभी भोजपुरी करना पड़े तो करूंगा, आगे अगर बड़ी बड़ी हिंदी भी कर रहा हूँ अगर भोजपुरी का ऑफर है तो मैं करूंगा, वो दिन वो लेवल लाने के लिए मैंने ये बात की। बहुत 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 धन्यवाद पांडे जी। तो दर्शकों का स्वागत है हमारे क्रिएटिव टॉक शो पे और हमारे चैनल पे बिल्कुल सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।